हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के लिए कॉर्ड सेट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मॉडल्स की जो वीडियो है वो मैंने साइड में लगा रखी है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है ड्रेस को मॉडल जैसी बनाने की। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमने जो ड्रेस बनाई है वो एग्जैक्ट मॉडल जैसी है या नहीं। बट हमने यहाँ पर जो है इस कुर्ती को लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग किया हुआ है और जो मॉडल की कुर्ती है वो थोड़ी सी शॉर्ट है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं इस ड्रेस की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लगभग 4 से 4.5 मीटर लिया है और जो हमने पत्तियाँ बनाई हैं उसका जो फैब्रिक है वो भी साटन ही है। तो दोनों के लिए मैंने साटन फैब्रिक का यूज़ किया है और यहाँ पर इस पत्ती को मैंने इस तरीके से पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया था और इस तरीके से शोल्डर का जो निशान है वो 7 इंच पर लगाया है और आर्म होल के निशान के लिए भी मैंने यहाँ पर 7 ही इंच लिया है। इस तरीके से दोनों के निशानों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारी साइड की फिटिंग है उसको लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए ब्रेस्ट से हिप तक की जो दूरियाँ होती हैं वो 7-7 इंच की दूरियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेस्ट का नाप लेंगे, उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे और उसके बाद हमने हिप का नाप लेना है। तो मेरा यहाँ पर जो मेज़रमेंट है मैंने वो लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इन निशानों को आपस में मिला देते हैं और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आप लोगों को इस ड्रेस की या कटिंग की जो फुल वीडियो देखनी है तो मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और देखें, ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग होके कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमने पत्तियाँ बनानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और उसके बाद जो हमारी पत्ती थी उसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, मतलब अच्छे से कटिंग कर लेंगे उसकी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही थी पहले कि जो हमारे पास चौक है उसकी हेल्प से निशान लगा के मैं फिर कटिंग कर रही थी, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक ड्रॉ करने के बाद जो बाकी की पत्तियाँ जो बनाई थी वो मैंने पिंस की हेल्प से बनाई थी, मतलब जो हमारे पास पत्ती है उसको कपड़े में पिन की हेल्प से अटैच करके फिर मैंने कटिंग करी थी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए मैंने बाकी ड्रॉ करके नहीं बल्कि पिन की हेल्प से कटिंग करी थी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी ये लीफ। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो बाकी जो है मैं उनको यहाँ पर कट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है और ये हमारी सारी लीव्स हैं जो मैंने यहाँ पर कटिंग करी है। तो इनको ना मैं पहले आपको एक एक करके अटैच करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है क्योंकि ये ना हाथ से नहीं बनता, इसलिए तो जो एम्ब्रॉयडरी वाले भैया थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप इनको मुझे पेस्ट करके दे दें फिर हम इसमें एम्ब्रॉयडरी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से रख के मैं इनको पेस्ट कर लूँगी यहाँ पर, और सेम यही प्रोसेस हमने पैंट में भी करना है। और जो इनकी बीच की दूरी है वो लगभग 2 इंच के आसपास की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने पैंट में भी कुछ इसी तरीके से बनाना है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है पैंट का, और इसी तरीके से मैं एक लीफ इसमें भी पेस्ट करके ही उन्हें दूंगी। तो ये हमारी लीफ है, देखिए ब्लैक कलर। एक्चुअली जो मॉडल की ड्रेस है वो पिंक है तो मुझे पिंक सैटन नहीं मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया था। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रॉयडरी होके आ चुका है और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग भी है और ये कितना, मतलब पत्तियाँ लगने के बाद और भी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है।
तो यहाँ पर ये हमारी जो पेंट है वो भी रेडी है। तो अब हमने सिर्फ इन दोनों को जो है अटैच करना है। तो पहले मैं पैंट को अटैच कर लूँगी, उसके बाद जो है कुर्ती में हम गला बनाएंगे। तो मेन काम है हमारा जो गले का। तो ये देखिए, ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है पैंट का और ये हमारी कुर्ती। अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले बैक पार्ट ले लेती हूँ। तो बैक पार्ट की जो चौड़ाई लेंगे हम, वो नॉर्मली जितना गला लेते हैं उतना ही रखना है। हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है मैंने, और जो बैक पार्ट की जो गले की लंबाई है वो 1 इंच लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलर वाला गला बनाना है ना, इसलिए। तो इस तरीके से मैं इसमें सर्कल बना लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 1 इंच ली है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलाई लगा लूँगी, और जो शोल्डर्स हैं इनको आपस में अटैच कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कॉलर के लिए इसकी लंबाई देखनी है। तो जो हमारे सामने का जो गला है उसको इस तरीके से पकड़ के हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी लेंथ है हमारे कॉलर की। तो कॉलर की जो लेंथ है वो 8 इंच की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर, और 8 का डबल करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर कॉलर की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर 15 लूँगी, 15.5 के आसपास लूँगी, क्योंकि 8 से थोड़ा सा कम आ रहा था इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस निशान लगा लेती हूँ, और जो कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 2-2 इंच के आसपास रखूँगी, ज़्यादा नहीं लेना मुझे इसलिए। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसमें डबल फैब्रिक को लेकर इसको अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ये जो हमारे कोने हैं ये अगर सही नहीं बैठ रहे हैं तो इसको हम कैंची की हेल्प से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें चोंच जो है वो बन जाएगी हमारी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारा गला है उसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए जो हमारे आगे वाली पट्टी है उसको इस तरीके से उल्टी साइड से सिलाई लगाती जाएंगे, और जब उल्टी साइड से सिलाई लग जाएगी तब हम इसको ऊपर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा गला बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने अंदर की साइड से जो सिलाई थी वो लगा ली है। अब हम जहाँ सिलाई लगाए उसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे ऊपर की जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो वो मोड़ने में आसानी होगी, और जो झोल वगैरह आती है वो नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारा गला बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर कॉलर भी लग गया है। अब जो बाकी का काम है इसमें स्टिचिंग करना, वो मैं करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर पैंट रेडी हो चुका है, और इसके बाद हमारी कुर्ती भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और आप लोगों को मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।